क्या आप लोगों को फ्रैंकलिन याद है जो डोरेमोन की टाइम मशीन से टाइम में पीछे चला गया था और वाई सिटी में पहुंच गया था? और क्या आपको याद है कि उसको एक मिनट की सुसु कितनी भारी पड़ गई थी? एक सुसु की वजह से फ्रैंकलिन हमेशा हमेशा के लिए वाई सिटी में फंस गया था। कैसे याद होगा? वो वीडियो बना के हम लोगों को 10,000 साल तो हुए होंगे यार। बेचारे फ्रैंकलिन को तो मैं भूल ही गया, उसको वाई सिटी में छोड़ दिया हमने। वैसे मैं सोच रहा था यार कि वाई सिटी में अकेला के लिए रहकर फ्रैंकलिन पक्का नहीं होगा। एक काम करते यार, चलो जाते हैं वाई सिटी में और देखते कि फ्रैंकलिन क्या कर रहा है। हेलो दोस्तों, मेरी तो उम्र हो गई। मैं टपकने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। बस हो गया यार, कितने दिन और मैं बीच पे ऐसे ही अकेला आता रहूंगा। 17 साल हो गए मुझे, 17 साल से मैं इसी वाई सिटी की दुनिया में फंसा हुआ हूँ। मेरे बाल तो एकदम वाइट वाइट हो गए। काश उस दिन मुझे जोर की टॉयलेट ना आ जाती यार, थोड़ी कंट्रोल कर लेता तो आज मैं मेरे पोतों के साथ खेल रहा होता। अगर टॉयलेट नहीं आती तो जिस किसी ने भी मेरी टाइम मशीन चुराई है वो टाइम मशीन चुराता ही नहीं यार, और मैं टाइम में वापस आगे जा सकता था, 2019 में पहुंच सकता था। लेकिन अभी क्या फायदा इसके बारे में बात करके, अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी कमर तो रोज दर्द करती है, लेकिन मेरी जिंदगी कितनी अलग होती। वैसे खाने का टाइम हो गया क्या? क्या क्या, आज है June 19, 2019। इसी दिन को तो मैं लॉस सेंटोस से निकला था टाइम मशीन चुरा के। काश मैंने वो नहीं किया होता, काश मैं 2019 में जाके यंग फ्रैंकलिन को ये सब कांड करने से रोक सकता। काश। एक मिनट, अभी 2019 है, मतलब इस दुनिया में भी तो यंग फ्रैंकलिन होगा, इस दुनिया में भी तो लॉस सेंटोस होगा, और आज के दिन तो फ्रैंकलिन के मन में वो चुलबुल मची होगी कि उसको टाइम ट्रेवल करना है। मतलब अगर मैंने लॉस सेंटोस ढूंढा तो क्या मैं लॉस सेंटोस में जाके 2019 के फ्रैंकलिन को रोक सकता हूँ टाइम ट्रेवलिंग करने से? मतलब अगर उसने टाइम ट्रेवल किया ही नहीं तो मैं कभी वाई सिटी में आऊंगा ही नहीं, मतलब मैं कभी बूढ़ा होऊंगा ही नहीं, मतलब सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। एक मिनट, मुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने दोपहर को डोरेमोन की टाइम मशीन चुराई थी और अभी थोड़े ही वक्त में दोपहर होने वाली है, मतलब मुझे जो भी करना है वो जल्दी करना पड़ेगा। तो अगर मुझे वाई सिटी से लॉस सेंटोस जाना है तो मुझे प्लेन से जाना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले वाई सिटी के एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। चलो गाइस, इस उम्र में भी एकदम दौड़ के जाना हमें, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, यही खटारा गाड़ी से जाना पड़ेगा। चलो जल्दी बैठते हैं, आज धोखा मत दे गाड़ी, आज चल जा। एयरपोर्ट शायद यहाँ से है, मुझे वाई सिटी के लिए बहुत टाइम हो गया है। यहाँ पर एक रैंप है ना, इस रैंप से जाते हैं हम लोग जल्दी पहुंचे। अरे यार, चुपचाप सीधे रास्ते से जाते हैं, इस उम्र में भीग गया तो मेरी सर्दी रुकेगी ही नहीं। आई थिंक हम लोग एयरपोर्ट के पास आ गए हैं। यार मेरे सब बचपन की यादें ताजा हो रही है। वाओ, इधर हमने कितना मजा किया था, लेकिन अभी मजा करने का टाइम नहीं हमारे पास। चलो जल्दी जाना है दोपहर होने से पहले, कोई तो अच्छा प्लेन मिल जाए बस, जैसे कि ये वाला। ये मस्त लग रहा है यार, पर बस चालू होना चाहिए। चालू मतलब चालू क्वालिटी का नहीं, जंग वंग ना लगाओ। ऊपर चलाते चलाते बंद हो गया ना, डायरेक्ट पानी के अंदर। चालू तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे जैसा बूढ़ा इस प्लेन को चला पाएगा? प्लेन को चला के बहुत टाइम हो गया है, इस उम्र में कैसे चलाऊंगा मुझे मालूम नहीं। ये नीचे का टायर ऊपर कैसे आता है भाई? ओ अच्छा, बंद हो गया, तो हम फाइनली उड़ रहे हैं। बस ये प्लेन ने धोखा नहीं देना चाहिए। बाय बाय वाई सिटी, मिलते नहीं है वापस, क्योंकि हम बदलने वाले हैं फ्रैंकलिन का भविष्य। वापस यहाँ पे नहीं आना है, पक गया मैं यहाँ पे अकेले 17 साल रह के। वैसे एक प्रॉब्लम है, दूर दूर तक मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ पानी आजू बाजू। कोई है क्या? हेलो, हम लोग भटक गए शायद, या फिर कि सामने कुछ तो है। वो क्या है, कौन सा माउंटेन है? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? और लेफ्ट में एक सिटी भी दिख रही है मुझे। मतलब शायद ये माउंट चिलियड है और वो लॉस सेंटोस है, शायद यही है। प्लीज देवा, आई होप हम लोग आ गए, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है गाइस। ओ यस, मुझे मेज बैंक की बिल्डिंग दिख रही है, मतलब हम लोगों ने लॉस सेंटोस ढूंढ लिया। यार हम लोग लॉस सेंटोस के ऊपर उड़ रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर वापस आऊंगा। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ यार, ये एयरपोर्ट देख के मुझे पुराने दिन याद आ गए। लेकिन अभी एयरपोर्ट पे अच्छे से लैंड करना है, वरना हमारी नानी याद आ जाएगी। आराम से, बूढ़े हुए तो क्या हुआ, प्लेन तो लैंड कर सकते है।
लॉस सैंटोस की खुशबू क्या मस्त है यार। लेकिन अभी खुशबू के लिए टाइम नहीं हमारे पास, चलो जल्दी जाके एक कार ढूंढते हैं क्योंकि हमें फ्रैंकलिन को रोकना है। ये गाड़ी से काम चल जाएगा। लेकिन ये बहुत स्लो लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ओ, इतने सारे लोगों को एक साथ देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए यार। वाई सिटी में 17 साल से मुझे कुत्ता भी नहीं दिखा था। हेलो भाई लोग, अपना फ्रैंकलिन भाऊ आ चुका है। इतना बूढ़ा हो गया फिर भी ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहा। ट्रैफिक रूल्स के लिए टाइम नहीं है अभी, ठोको सबको, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओ अंकल आंटी बाजो जो, मरना है क्या? वाव यार, यहाँ पे आके क्या मस्त लग रहा है मुझे, पुराने दिन याद आ गए। यहाँ से मुझे ऊपर जाना है लेकिन ये गाड़ी से नहीं जाऊंगा यार, पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, ये गाड़ी ले लेता हूँ, फास्ट पहुँचेंगे। चलो आंटी मजा खत्म, उतरो अभी। मेरा घर शायद यही पे है ना कहीं पे, तो बहुत साल हो गए मुझे इतना याद भी नहीं आ रहा, पहले ये सब भूल भुलैया है। शायद इस गली में कहाँ है यार मेरा घर, यहाँ पे कहीं पे तो सिर्फ गोल गोल घूम रहा हूँ मैं कब से। यहाँ पे है क्या? ये रास्ता याद आ रहा है मुझे, यहाँ से अगर हम ऊपर 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 गए तो मेरा घर आ जाता है। 17 साल के बाद हम लोग हमारे घर पे आ गए वापस, और गैरेज ने हमको पहचान लिया। मेरी प्यारी गाड़ी, मेरा जिगर का टुकड़ा, मैंने मिस किया तुझे, और बाइक तुझे भी मिस किया मैंने। लेकिन अभी इस सब के लिए टाइम नहीं है, हमें जाके फ्रैंकलिन को रोकना है। कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा? मुझे तो लग रहा है पक्का सो रहा होगा, आलसी। चलो जल्दी चलो जल्दी, फ्रैंकलिन रुको। नहीं यहाँ पर तो नहीं दिख रहा मुझे। सोचो सोचो मिथपैट कहाँ पे होगा। ओ हाँ, मुझे याद है कि मैं दोपहर को बाहर पूल में नहा रहा था, मतलब फ्रैंकलिन पक्का बाहर होगा। चलो जल्दी चलो जल्दी। नहीं यार यहाँ पर भी नहीं। ओ हाय चॉप। चॉप कैसा है तू, इतने सालों के बाद? भोगता क्या अबे, इतने सालों के बाद मिला हूँ मैं। खुश रहना अपनी जिंदगी में, कितना भोगता है। मालूम है मुझे, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन तुझ पे उतना ही प्यार करता हूँ। लेकिन एक मिनट, अगर फ्रैंकलिन यहाँ पे भी नहीं है तो कहाँ हो? ओ माय गॉड, मुझे याद है कि मैं डोरेमोन की टाइम मशीन चुराने माउंटेन पे चला गया था, मतलब फ्रैंकलिन उधर ही होगा। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी, टाइम बहुत कम है हमारे पास क्योंकि अभी तो दोपहर का टाइम हो गया। अरे बाप रे, इस उम्र में दौड़ने को भी नहीं होता यार, पैर दर्द कर रहा है मेरा, इतना चढ़ के ऊपर कैसे जाऊंगा। अरे बाप रे, फाइनली ऊपर आ गए यार। अबे देख के नहीं चला सकता क्या, हड्डी टूट गई मेरी। उसको छोड़ो, फ्रैंकलिन को ढूंढो, यही पे होना चाहिए फ्रैंकलिन। वो मुंडी किसकी है? क्या वो वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ओ माय गॉड, ये मैं ही हूँ, मैं डोरेमोन के लिए रुका था। फ्रैंकलिन इधर भी, फ्रैंकलिन उधर भी, हमें मुझे कुछ भी करके रोकना ही होगा। इस टाइम के साइकिल को हमें ब्रेक करना ही होगा, लेकिन कैसे करे कैसे करे? क्या मैं जाके इससे बात करूँ? लेकिन क्या ये मुझे समझ पाएगा? अगर ये घबरा गया और मुझ पे अटैक किया तो मैं तो उधर ही टपक जाऊंगा। अगर इसने मुझ पर विश्वास ही नहीं रखा तो, और वापस एक बार उसने टाइम ट्रेवल किया तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? इसे रोकना तो पड़ेगा ना, बात करके नहीं चलेगा। मुझे लग रहा है कि इस चीज का सिर्फ एक ही उपाय है, इस दुनिया में बस एक फ्रैंकलिन रह सकता है और वो हूँ मैं। मुझे इसे मारना ही पड़ेगा, मतलब कि मुझे खुद को मारना पड़ेगा, इसी से सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं शायद मेरा जीवन अच्छे से बिता पाऊंगा। अगर मुझे जॉब के साथ मेरी बाकी की जिंदगी गुजारनी है तो मुझे यंग फ्रैंकलिन को मारना ही पड़ेगा। ठीक है मैं ये कर रहा हूँ, मैं खुद को मारने जा रहा हूँ। 1 2 3 जैसे कि आप लोगों ने देखा, पुराने फ्रैंकलिन ने नए फ्रैंकलिन को मारने की कोशिश की, लेकिन समय ने अपना खेल खेला। समय को कोई नहीं बदल सकता। नया फ्रैंकलिन फिर से एक बार वाई सिटी पहुंच गया और समय अपने आप को वापस एक बार दोहरा रहा है। इससे बस एक ही सीख मिलती है, समय को कोई नहीं बदल सकता।